नमस्कार, मैं सिद्धांत पुरोथी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको सरगम बजाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से आपको उंगली का दबाव रखना चाहिए, कैसा बाउंसी होना चाहिए। तो यानी कि आप कुछ टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे आज। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोज में बता चुका हूँ कि आप हर सुर से किस तरीके से सारे गामा पदनी से बजा सकते हैं और हर एक सुर का क्या हिंदी में हम बोलते हैं, इसका क्या नाम है, वेस्टर्न के हिसाब से क्या नाम है, कॉर्ड्स के बारे में हमने जाना था। देखिए, मैं आपको बेसिकली जो भी ये जो प्रैक्टिस बता रहा हूँ ये मैं सी शार्प स्केल से बता रहा हूँ, यानी कि पहले काले से। आप जानते ही हैं कि सारे गामा किस तरीके से बजाना है और ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया, तो अब मैं उसमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। तो बस मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप जब भी सारे गामा पधा निसा सानी धापा मगर ऐसा, सबसे पहले आपको इसी चीज का रियाज करना है बजाय बाकी सरगम पलटों के। तो सबसे पहले आप इसको क्लियर करेंगे, फिर आप बाकी कोई भी अलंकार पलटे आप सब बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं आपको एक बड़ी खास टेक्निक बताता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आप सारे गामा पधा निसा बजाएंगे तो आप थोड़ा सा बाउंस करके रखेंगे, ठीक है, और हाथ किस तरीके से रखना है, किस तरीके से नहीं रखना, कितना ऊपर होना चाहिए, उंगलियां कैसे होनी चाहिए, ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, उसका आप ख्याल रख ही रहे होंगे। जाहिर है, नहीं देखा तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में, उसको क्लिक करके आप वहां पर देख सकते हैं। जब आप सारे गामा पधा निसा बजा रहे हैं तो आपने हल्का सा इसको बाउंस करना है, यानी कि टच करके मार कर छोड़ना है हल्का सा। ऐसा नहीं कि आप जोर से मार दे तो वो टूट ही जाए, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हम कितनी जोर से करें। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा टक टक जो साउंड आ रहा है ना, ये आ सकता है और वो आएगा ही, जाहिर है, मगर इसको ऐसे जोर जोर से नहीं मारेंगे ताकि वो खराब ना हो जाए। तो हम दो तरीके से सरगम बजाएंगे, जैसे कि एक तो हम नॉर्मल बजाते ही हैं जैसे, और दूसरा अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि आपको बाउंस करना है इस पे। इस तरीके से आपको बजाना है, और अगर आप ये प्रैक्टिस मेट्रोनोम के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ताल के साथ आपको करने की आदत बन जाएगी। और अगर आप मेट्रोनोम के बारे में नहीं जानते तो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अभी मैं मेट्रोनोम प्ले कर रहा हूँ और इसका जो टेम्पो है वो 175 है। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसके साथ ही सारे गामा पधा निसा बजाएंगे इस टेम्पो पर, फिर मैं इसको इसका डबल भी करके बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से बाउंस करके बजा रहा हूं इसको। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा जो एक नॉर्मल एक कॉमन है जैसे, बट बाउंस होना। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। अब डबल में देखिए, ये हाथ चिपका कर करना और ये बाउंस। हाथ चिपका कर, तो आपको इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। दो तीन बार बाउंस करके करें और दो तीन बार नॉर्मल भी बजाएं, तो इस तरीके से आपको बैलेंस रखना होगा। अब देखिए, मैं आपको तीनों स्पीड में एक बार करके दिखा देता हूं। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस चैनल को, और साथ ही साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके रेगुलर अपडेट्स आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।